प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह अजेय था। जलंधर के उपद्रवों से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उधर उसका पति जलंधर, जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता लगा तो क्रोधित होकर उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, आपने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः आप पत्थर के बनोगे। इस श्राप की वजह से सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवता और लक्ष्मी जी ने वृंदा से श्राप वापस लेने की याचना की। वृंदा ने उनकी बात मानकर अपना श्राप वापस ले लिया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने वृंदा के पतिव्रता धर्म पर प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। हे वृंदा, तुम तुलसी बनकर मेरे साथ ही रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। इसके बाद वृंदा अपने पति जलंधर के साथ सती हो गई। जिस जगह वह सती हुई वहां तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के विवाह का प्रतीकात्मक विवाह है।